हाय गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं डिनर बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी आप सबके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले पैन को गरम कर ले, उसके बाद उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। थोड़ी देर मस्टर्ड ऑयल को गरम होने देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, उसके बाद इसमें डालेंगे 3 स्लाइस किया हुआ हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा फ्राई हो जाने दें। फिर हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम और आलू, छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने पहले से रखे हुए थे। मेरे पास घर में एक ही कैप्सिकम था इसलिए मैंने एक ही डाला है, आप इसमें 2 और ऐड कर सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। जब तक ये पकता है साइड में हम अपनी दूसरी डिश बनाएंगे। इसमें हम कुकर गैस पर रखेंगे और चने की दाल डालेंगे। जैसे नॉर्मल हम दाल पकाते हैं वैसे ही पकाएंगे, उससे थोड़ा सा कम पकाना है ताकि पूरा दाल जो है आपकी पूरी गल ना जाए, उससे थोड़ा सा आपको कम पकाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये थोड़ा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। हल्दी और नमक के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है। अभी इन सबको अच्छे से मिला के थोड़ी देर पकने दें। लास्ट में थोड़ा इसको और तीखा बनाने के लिए और फ्लेवर इन्हांस करने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या नहीं भी डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा आलू अभी और हार्ड है, मीन्स थोड़ा सा और पकेगा। तो इसमें मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए स्प्रिंग अनियन डाल दिया है और थोड़ी देर और इसको पकाएंगे। तो अभी हमारा आलू और कैप्सिकम फ्राई रेडी हो चुका है। अब हम दाल की तरफ चलते हैं। इतने देर में दाल भी पक चुका है, मैंने बीच में गैस ऑफ कर दिया था। तो मैंने जिसमें कैप्सिकम और आलू फ्राई किया था उसको हम क्लीन कर लेंगे टिश्यू से और फिर हम इसमें डालेंगे शुद्ध देसी घी। घी को गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा को हल्का सा फ्राई कर लें, ध्यान रहे जलाना नहीं है। के बाद इसमें डालेंगे स्लाइस कटा हुआ 2 हरी मिर्च। उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो अब ये हमारी दाल फ्राई हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल जो हमने पका के रखी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दाल है पूरी पकी हुई नहीं लग रही है, क्योंकि इसको थोड़ी देर और इसमें हम ढक के पकाएंगे और मैंने उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाला था तो यहाँ पे वो और ज़्यादा पक सके, इसको एडिशनल आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक और हल्दी हमने स्टार्टिंग में दाल पकने टाइम ही डाल दिया था। इसको अभी थोड़ी देर ढक के पकाएंगे जब तक कि इसका पानी पूरा सूख ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं दाल हमारा रेडी है। इसमें थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैंने स्प्रिंग अनियन डाला है लास्ट में और साइड में आप देख सकते हैं मैं रोटी बना रही हूँ। तो मेरा डिनर रेडी हो गया है।